ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको एडिट किया है क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अरावली के जंगलों के बीच ये भयानक मंजर किसी का भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में खून, मांस के लथेड़े और हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों के बीच जंगल की है, जहाँ मरे हुए पशुओं का गोरख धंधा चल रहा था। इस गोरख धंधे का खुलासा समाज सेवी लोगों ने किया, जो जंगल में बंदरों को खाना खिलाने के लिए आए थे। यहाँ पे बाहर रोड पे थे तो यहाँ पे एक बंदर था जिसके ना दोनों हाथ में मतलब घायल अवस्था में था। हमने सोचा तो पकड़ के हम उसकी वो करेंगे। इतनी देर में मैंने अपने गुरुजी को फोन कर दिया। हम तीन भैया, हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे रविंद्र भाई, ये साथ में थे। तो जब तक ये भैया पीछे से गाजर और वो सामान लेकर आ रहे थे, जब तक हम वो बंदर अंदर भागता है, हमें पकड़ने के उसमें थे कि उसका हम इलाज कर देंगे। तो इस चक्कर में जब हमने यहाँ देखा तो हमने गाड़ी यहाँ पे यहाँ तक लेके आए, देखा तो यहाँ जी गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, जो कि आधे घंटे बाद उसको काट दिया गया। जब हमने उनकी वीडियो लेने लगे तो वहाँ से एक शख्स था जो वहाँ चार पांच बैठे हुए थे, जो अपने चाकू को क्या हथियार को कर रहे थे, जो उसने दूर से दिखाया हमें कि हमें ऐसे ऊपर कर रहा था। देर में हम वहाँ से गाड़ी लेके हमने चले गए। तो जब हमने भैया आ गए, हमारी पूरी गुरु जी आ गए, टीम आ गई, उनको देखने के बाद हमने जब यहाँ पे अंदर जायजा करा तो वहाँ वीडियो भी बनाई। तो यहाँ पे बोरे भी पड़े थे, उनके कपड़े भी तक पड़े थे, वो भी नहीं है यहाँ पे, ना वो कपड़े हैं ना उस समय बोरे। हमें प्रशासन से उस समय कहा था कि कार्रवाई करवाई दी जाए। उन्होंने कहा जी आके पहले FIR दर्ज करो। करते करते इतनी शाम होगी, जिन्होंने दक्षिणों ने यहाँ से सारा सामान फायर कर दिया है, अपने उठा के ले गए हैं बोरे और कपड़े। आज रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं जी। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा। तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे उड़ गए। आगे आगे भी बंदर काफी होंगे, तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ 4 से 5 आदमी गोवंशों को काट रहे थे और हमें तुरंत देखकर वहाँ से भाग गए। जैसे ही हमने उनको बोला कि भाई इसको मत करो, हमें जान से मारने की धमकी देते, वो भाग गए। हमने आगे भी पता किया कि भाई ये गोवंश कैसे है, कहाँ पर है। हमें पता चला कि कुछ MCF से कोई पर्चा ले रखा है किसी ने, MCF वालों से हमारी बात हुई है। वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चिन्हित जगह नहीं है, पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं है MCF की तरफ से जहाँ पर गोवंशों को काटा जा सके। हमने यहाँ पर नील गायें भी काफ़ी देखी हैं जो कटी पड़ी हैं, उनके अवशेष देखे हैं काफ़ी भारी मात्रा में, और तुरंत ही हमने कंट्रोल रूम को सूचना दी। वहीं मृतक पशुओं की इतनी बड़ी संख्या में मिलने के मामले को लेकर क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी सोहन पाल सिंह ने, वो आप सुनिए। अशोक ने आज एक शिकायत दी है कि भाई जो पाली रोड के साइड में पहाड़ी है उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है, जिसने MCF से जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है, वो पशुओं को जो शहर में मर जाते हैं उनको उठा करके लाता है, यहाँ उनकी खाल वगैरह उतारता है। तो सर बताया जाता है कि उसके पास जो MCF की तरफ से है ठेका तो है, लेकिन उसके पास कोई निश्चित जगह तय नहीं की गई है, बावजूद उसके वो यहाँ पे जंगल में ला के डाल रहा है, ऐसा क्यों सर? देखो उसके बारे में अभी शिकायत दी है, वो पता करेंगे MCF से भी उसका ठेका कहाँ से है, यहाँ पे है या दूसरी जगह पे है, वो चिन्हित कराएंगे, उनसे पता कर लेंगे। मेरी बात हुई है वहाँ पे, जो टीम गई है मौके पे, अव्यवस्था वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना कोई ऐसा इश्यू है, लेकिन हाँ वो मरे पशुओं की यहाँ खाल उतारते हैं, ये बिल्कुल सही है, और करजन के द्वारा ही उतारी जा रही है। वहीं इस मामले में जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से इस मामले में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि शहर से मृत पशुओं को उठाने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया है उसको फरीदाबाद में किसी भी जगह पर काम को करने की इजाजत नहीं दी गई। आपके माध्यम से हमें ये पता चला है कि दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। ये जो मामला आज हमारे संज्ञान में आया है, इस व्यक्ति को हमने कोई जगह अलॉट नहीं की हुई है अरावली एरिया में, और जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिपार्टमेंटल हम इनिशिएट करेंगे। तो सर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसने अरावली का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है और वन क्षेत्र है, जो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रदूषित कर दिया, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वहाँ पे मृत पशु डाले हुए हैं, चारों तरफ ब्लड वगैरह है, उनके अवशेष वगैरह किस तरीके से डिस्पोज करने हैं, तो क्या तरीका है सर, किस तरीके से इनको कहाँ पे कहाँ के लिए अलॉट किया गया? नहीं, हमारी तरफ से एरिया कोई भी अलॉट नहीं किया हुआ इसको, इसको खुद ही अरेंजमेंट करना था ठेकेदार को कहाँ इनको लेके जाएगा। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही है MCF की तरफ से कि साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए डेड एनिमल्स का, फरीदाबाद हो या बाहर कहीं हो, हाँ वो कहीं भी हो, वो उसका जगह का अरेंजमेंट उसी को करना है जी। अगर उसने किसी गलत जगह पे किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं पोल्यूशन
उसने फैला दिया ये फॉरेस्ट एरिया में, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील करेगा, जो भी उसके खिलाफ एक्शन बनता है वो लोग लेंगे। हम टेंडर के अकॉर्डिंग जो बनता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और दूसरे मृत जानवरों के अवशेष मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए। गोरख धंधा करने वालों ने जंगल के लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को नरक बना डाला। चारों ओर जंगल की जमीन पर खून बिखरा हुआ था, मांस के लोथड़े फैले हुए थे, हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, पशुओं की खाल खींचकर अलग ढेर लगा हुआ था, पशुओं के अंदर की नशों को निकालकर उनको सूखने के लिए लटका दिया गया था। इन सब बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर की भयानकता कितनी होगी। पुलिस को इसकी सूचना दी है और साथ ही पुलिस ने आरोपी दोषी लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत भी दी है और कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही इन लोगों के ये भी आरोप हैं कि मृतक गायों से निकले अवशेषों को बॉडी बनाने वाली सप्लीमेंट में मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए तो सब सच सामने आ जाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।